हेलो गाइज, मेरा नाम रितेश जैसाणी, आप देख रहे हैं आज रिव्यू अपडेट। तो आज मैं बात करने वाला हूँ आज ही के दिन रिलीज हुई मूवी द टेक्सास चेनसॉ ऑफ द मैसेकर। और जी हाँ, इसे नेटफ्लिक्स पे हिंदी में भी रिलीज किया गया है और इसकी हिंदी डबिंग भी अच्छी की गई है। तो फिर बात कर लेते हैं कि आपको आपका कीमती टाइम इस मूवी को देना चाहिए, क्योंकि आपका अच्छा खासा टाइम ले लेती है। तो यही कुछ जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं उन सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यह मूवी ऑफिशियली सीक्वल से 1974 में आई द टेक्सास चेनसॉ का, और तकरीबन 50 साल के बाद इसका सीक्वल आ रहा था। और जब इसकी अनाउंसमेंट की गई थी तब मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हुआ था और बहुत ज़्यादा मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं ये लोग सीक्वल्स के चक्कर में मैट्रिक्स रिजरेक्शन की तरह मूवी को बिगाड़ ना दे। और आखिर में मूवी मैट्रिक्स रिजरेक्शन की तरह तो नहीं, लेकिन हकती जरूर है। इसके बारे में मैं वीडियो में आगे बात करूँगा। तो फिर आ जाता है इस मूवी की स्टोरी लाइन के ऊपर। तो इसकी स्टोरी लाइन में हमें मेलोडी और लेला इन दोनों बहनों का जोड़ा दिखाया जाता है, जो कि अपने दोस्तों के साथ मिलकर लेदर फेस के विलेज में कुछ प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जाते हैं। लेकिन लेला के एक दोस्त की गलती की वजह से लेदर फेस जाग जाता है, और लेदर फेस के जागने के बाद क्या होता है आपको तो मालूम है, यानी कि मौत का तांडव शुरू हो चुका है। तो फिर उसी बीच हमें दिखाया जाता है शैली नाम की कैरेक्टर। अगर आपको नहीं पता है कि शैली नाम की कैरेक्टर कौन है, तो ये 1974 में आई हुई मूवी द टेक्सास में दिखी थी, और ये शैली ने सर्वाइव करने के लिए अपने दोस्तों के भारी कीमत दी थी, और वो अपने दोस्तों का बदला लेने के लिए वो फिर से टेक्सास में आती है लेदर फेस को मारने के लिए। तो क्या शैली अपने मिशन में कामयाब हो पाती है, और क्या मेलोडी और लेला भी अब इस टाउन से निकल पाते हैं कि नहीं, तो यही कुछ जानने के लिए तो आपको देखनी होगी ये मूवी। तो फिर बात कर लेते हैं पेरेंटल गाइडलाइन की। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको बहुत सारा खून खराबा देखने को मिलेगा। अगर आपकी फैमिली खून खराबा देखना पसंद करते हैं तो ही आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के इस मूवी को देख सकते हैं, और बच्चों को तो इस मूवी से दूर ही रखें। तो फिर आ जाता है मूवी की सिनेमेटोग्राफी और कलर कलेक्शन को लेकर। तो फ्रेंड्स, जी हाँ, इसकी सिनेमेटोग्राफी और कलर कलेक्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और देख के लगता है कि नेटफ्लिक्स वालों ने अच्छा खासा इस मूवी पर खर्चा किया होगा। सीन से एक स्लैशर मूवी है, इसलिए आपको इसमें फाइटिंग कोरियोग्राफी थोड़ा बहुत रियलनेस के साथ देखने को मिलेगी, यानी कि आपको इसमें बहुत सारा खून खराबा देखने को मिलेगा, और कभी भी किसी भी कैरेक्टर के हाथ पैर या फिर सिर उठ जाएंगे। तो आ जाते हैं स्टारकास्ट की एक्टिंग को लेकर। तो फ्रेंड्स, जी हाँ, सभी स्टारकास्ट ने अपना अच्छा काम किया है, और कोई भी आपको डिसपॉइंट नहीं करेगा। तो फिर आ जाते हैं इस मूवी के नेगेटिव पॉइंट के ऊपर। तो कुछ लोगों के हिसाब से आपको इसमें 0% कैरेक्टर डेवलपिंग देखने को मिलेगी। तो उन लोगों को मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि एक स्लैशर मूवी है, इसलिए लोग इसमें स्लैशर मूवमेंट देखने आते हैं, ना कि कैरेक्टर डेवलपिंग वाले मूवमेंट। तो उन लोगों को अपना दिमाग बंद रखना चाहिए और अपना मुंह भी बंद रखना चाहिए, और एक ये मूवी को एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि स्लैशर मूवी जनरली बहुत ज्यादा फास्ट पेस होती है और उसमें कैरेक्टर डेवलपिंग करना इम्पॉसिबल होता है। इसलिए लोग इसमें स्लैशर मूवमेंट देखना पसंद करते हैं, ना कि कैरेक्टर डेवलपिंग वाले। तो आ जाते हैं सेकंड बुरी चीज़ के ऊपर। तो वो है, अगर इसकी कंपैरिजन हम 1974 में आई द टेक्सास के साथ करें तो ये मूवी उसके आसपास भी नहीं आती। यानी कि 1974 में आई मूवी मेरे कल्ट क्लासिक लिस्ट में है, और मैं उसे आज भी इंजॉय करता हूँ, और ये इस मूवी ने तो मुझे बहुत ज़्यादा डिसपॉइंट किया है। तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चले आ जाते हैं मैं रेटिंग के ऊपर। तो मैं इसे रेट दूंगा 5 out of 3.4 star की रेटिंग, यानी कि एक ठीक ठाक सी बिलो एवरेज टाइम पास सी मूवी, जिसे आप अपने खाली समय में बैठ के देख सकते हैं। और जिन लोगों ने स्लैशर जॉनरा में बहुत सारी सीरीज और बहुत सारी मूवी देख रखी है, उन लोगों के सामने तो ये मूवी कुछ नया प्रेजेंट नहीं करती, लेकिन फिर भी वो लोग अपना एक बार तो इस मूवी को देख के अच्छा खासा टाइम पास कर सकते हैं। तो याद रहे फ्रेंड्स, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप अपना ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले किसी रिव्यू या फिर अपडेट में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल के दूसरे रिव्यू या फिर अपडेट को एंजॉय करें। टिल देन, बाय।